हाय गाइस, मैं मुश्ताक, स्वागत है आपका MQTech गुरु चैनल पर। सो गाइस, इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा वाजी पर 5.0.3 का जो है पूरा इंटरव्यू दिखाऊंगा आपको, और मैसेज किस तरीके से करना है वो भी आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम व्हाट्सएप से मैसेज करके दिखाएंगे किस तरीके से हमें मैसेज करना होता है इस सॉफ्टवेयर से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे व्हाट्सएप के ऊपर। इसके बाद में हमें यहाँ पर जो है ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है, और जब ये QR कोड जनरेट हो जाता है उसके बाद में अपने मोबाइल के अंदर जाना है। मोबाइल के अंदर आप जैसे वेब ब्राउजर के अंदर आप कनेक्ट करते हो अपने WhatsApp को, उसी तरीके से इसमें भी कनेक्ट करना है। लिंक के डिवाइस पे क्लिक करना है और स्कैन QR कोड करना है। अगर कभी कोई ऐसा इस टाइप का एरर आता है या फिर आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यहाँ पर रिकनेक्ट विद WhatsApp पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको फिर से इस तरीके से जनरेट करके आप यहाँ पर जो है इसको कनेक्ट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन, कनेक्ट मैंने ऑलरेडी किया हुआ है इसलिए मैं यहाँ पर कनेक्ट करके तो नहीं बताऊंगा, बट मैसेजिंग करके बताऊंगा। यहाँ पर फर्स्ट में दिख रहा है मेरा मैसेज बाय मंथ, इतना मुझे मैसेज मिला है और इतना मैंने ऑलरेडी मैसेजिंग की हुई है। अभी यहाँ पर हम चलते हैं। सबसे पहले क्या नीड होती है हमें कि हमारे कॉन्टेक्ट नंबर हमें ऐड करना है, फिर हमें बल्क मैसेजिंग करना है। तो हम अपने कॉन्टेक्ट नंबर या फिर हमें जो भी कॉन्टेक्ट की डिटेल है वो यहाँ पर हम फिल कर सकते हैं। हम सबसे लास्ट में जाएंगे, कॉन्टेक्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर जो है एक ग्रुप बना लेंगे, यानी कॉन्टेक्ट लिस्ट का एक ग्रुप बना लेंगे। आपने डायरेक्टली यहाँ पर करना है एड न्यू पे क्लिक, राइट साइड में एड न्यू पे क्लिक करने के बाद में ये हमारा जो है यहाँ पर पूछेगा ग्रुप कॉन्टेक्ट नेम। तो ग्रुप कॉन्टेक्ट नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, ये हमें सिर्फ याद रखने के लिए है। मैं यहाँ पर टेस्ट ग्रुप कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं एक टेस्टिंग ग्रुप बना रहा हूँ। अभी मुझे यहाँ पर सबमिट करना है, सबमिट मैंने कर दिया है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर जो है नीचे एक ये टेस्ट ग्रुप मेरा शो हो रहा है आपको। यहाँ पर हम बीच में क्लिक करेंगे इसके अंदर, और इसके बाद में जो है यहाँ पर इम्पोर्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर एक छोटा सा इम्पोर्ट कॉन्टेक्ट का एक पॉपअप होगा। यहाँ पर देखिए अपलोड CSV भी कर सकते हैं, यानी कि आप अपने एक्सेल फाइल को यहाँ पर अपलोड भी कर सकते हो CSV फाइल में कन्वर्ट करके। ये ध्यान रहे कि आपका जो फॉर्मेट हो वो MS DOC वाला फॉर्मेट होना चाहिए CSV फाइल का। एग्जाम्पल टेम्पलेट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उसके अंदर नंबर की लिस्ट किस टाइप से डालना है, नेम की लिस्ट किस टाइप से डालना है, अलग से कॉलम है तो उन कॉलम का लिस्ट किस टाइप से डालेंगे, वो सारी चीज एग्जाम्पल टेम्पलेट के अंदर आ जाएगी। वाई फॉर्म पर आप क्लिक करके यहाँ पर मैनुअली भी कहीं से भी नंबर आप कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। जरूरी यह है कि आपका हर एक नंबर के शुरू में अपना कंट्री कोड होना चाहिए और उसके बाद में उसका नंबर जो है इस टाइप से होना चाहिए। अभी आप देख रहे होंगे फर्स्ट में कंट्री कोड है और आगे ये जो है मोबाइल नंबर है, या फिर आप यहाँ पर जो है एग्जाम्पल भी देख सकते हो, इस टाइप से आपका जो है होना चाहिए नंबर कंट्री कोड के साथ में। ये ध्यान रहे कि आपको या ना तो प्लस लगाना है और ना कुछ और कैरेक्टर अंदर डालना है, सिर्फ कंट्री कोड और मोबाइल नंबर। यहाँ पर और भी नंबर्स हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स ऐड कर देता हूँ। इसके बाद में हम गाइज यहाँ पर जो है सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये नंबर्स जो है यहाँ पर सबमिट हो जाएंगे। इस तरीके से आपको जो है ये नंबर्स दिखेंगे यहाँ पर। इन नंबर्स पर अब हमें मैसेज करना है। मैसेज करने का सही तरीका क्या है, सीधा आप व्हाट्सएप पे जाएंगे, फिर बल्क मैसेजिंग पे आप क्लिक करेंगे। बल्क मैसेजिंग पे क्लिक करने के बाद में राइट साइड में न्यू कैंपेन पे आप क्लिक करेंगे। न्यू कैंपेन पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर सेलेक्ट व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट करेंगे। इससे पहले कि आप ये पूरा वीडियो देखें, अगर आपको वीडियो में इंटरेस्ट नहीं है और आप डायरेक्टली टेक्स्ट गाइड देखना चाहते हैं, तो आप जो है सीधा आएंगे यहाँ पर bulk.wasan.cloud/blocks यहाँ पर आएंगे और इसको इंटर कर देंगे। इस वाले URL पे यहाँ पर आपको टेक्स्ट में गाइड भी मिल जाएगी, हाउ टू सेंड बल्क मैसेज, हाउ टू यूज ऑटो रिस्पॉन्डर, हाउ टू यूज चैटबॉट। तो ये सारी चीजें आपको टेक्स्ट में भी मिल जाएगी। अब चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ। अब गाइज हमें यहाँ पर बल्क मैसेजिंग में हमें क्या करना है, सबसे पहले सेलेक्ट व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट पे क्लिक करना है और अपना जो भी व्हाट्सएप अकाउंट आपने कनेक्ट किया हुआ उसको सेलेक्ट कर लेना है, या फिर जिन जिन व्हाट्सएप नंबर से आप मैसेज करना चाहते हो उनको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फर्स्ट वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मल्टीपल को एक साथ में भी मैसेज सेंड कर सकते हैं, यानी मल्टीपल व्हाट्सएप से एक साथ में मैसेज कर सकते हैं। ये आपने जो QR कोड से कनेक्ट किया है वो वाला व्हाट्सएप है आपका।
इसके बाद में हम इसको वापस से इस एरो पे क्लिक करके हम वे चले जाएंगे। कैंपेन नेम के अंदर हम अपना कोई भी कैंपेन दे सकते हैं। मैं यहाँ पर टेस्ट कैंप कर देता हूँ यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ पर कॉन्टेक्ट ग्रुप पे हम क्लिक करेंगे और हमें कॉन्टेक्ट ग्रुप अपना सेलेक्ट कर लेना है। मैंने ये फर्स्ट वाला कॉन्टेक्ट ग्रुप बनाया था, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप जो है मीडिया के अंदर यहाँ पर फाइल मैनेजर से भी आप अपने इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर एक अपलोड का आइकन है, यहाँ से भी आप जो है डायरेक्टली फाइल को चूज करके अपलोड कर सकते हैं। मैं फाइल मैनेजर से ही डायरेक्टली सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैंने फाइल को ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। यहाँ पर फाइल को सेलेक्ट करेंगे, डन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर कैप्शन के अंदर अपना मैसेज डाल देंगे। ध्यान रहे गाइस, अगर आप मैसेज विदाउट मीडिया के कर रहे हैं तब भी आपको कैप्शन के अंदर अपना मैसेज डालना है। अब मैं यहाँ पर अपना मैसेज डाल देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाई टेस्टिंग। इसके बाद में गाइज यहाँ पर नीचे आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, टाइम पोस्ट के अंदर जो है यहाँ पर इस टाइम पर क्लिक करेंगे हम यहाँ पर, देन ये पॉपअप होकर आ जाएगा अपने सामने। हमें जिस भी टाइम में ये शेड्यूल लगाना है वो टाइम हम सेलेक्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट डे या 3 डे 4 डे के हिसाब से। अभी हमें मैसेज करना है तो मैं नाउ पे क्लिक कर देता हूँ अभी, और इसके बाद में यहाँ पर डन पे क्लिक कर देता हूँ। रैंडम टाइम जो है हमें चूज करना है, मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो मिनिमम हम जो है रखेंगे यहाँ पर 60, और मैक्सिमम हम यहाँ पर जो रखेंगे वो रखेंगे 300। अगर गाइज अगर आप मिनिमम सेकंड्स जो है 60 और मैक्सिमम अगर आप रखते हो 300, तो आपके व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक होने का चांस बिल्कुल ही कम हो जाएगा। बस शर्त यह है कि आपका नया नंबर नहीं होना चाहिए। आपको जो है ये इस तरीके से पूरा कर लेना है, फिर आप शेड्यूल पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही गाइज आप शेड्यूल पे क्लिक करेंगे ये दोबारा से इस तरीके से रिफ्रेश होकर आ जाएगा। फर्स्ट कैंपेन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा और यहाँ पर आपको जो है वन मैसेज सेंड भी दिख रहा होगा, बाकी के पेंडिंग में दिख रहा होगा। गाइज अगर आपके मैसेज सारे पेंडिंग में दिखा रहे हैं तो आपने एक बार यहाँ पर चेक कर लेना नेक्स्ट एक्शन, और आगे टाइमिंग जरूर चेक कर लेना आपका जो टाइम है वो और अभी जो टाइम हो रहा है दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं। अगर ये टाइम अगर और भी ज़्यादा आगे है इसका मतलब है कि अब मैसेज जाना स्टार्ट होंगे, और अगर ऑलरेडी ये अगर टाइम पीछे चल रहा है यानी कि अभी हमारे घड़ी में जो टाइम हो रहा है कंप्यूटर में 9:53, यहाँ पर भी 9:53 हो रहे हैं, इट मीन्स मैसेज जाने चाहिए। अगर ये टाइम सेम नहीं है, यहाँ पर 9:53 है या यहाँ पर 9:55 हो रहे हैं पर एक भी मैसेज अगर नहीं गया है इसका मतलब है कि अब कोई इश्यू है। ठीक है, तो आप हमें जो है डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर गाइस आपको जैसे यहाँ पर वन मैसेज जाके अटका हुआ दिख रहा है तो आप बल्क मैसेजिंग पे फिर से क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा, और जैसे ही रिफ्रेश होगा तो जो भी जितने भी मैसेज गए हैं वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर बल्क मैसेजिंग पे क्लिक करता हूँ, ये रिफ्रेश हुआ, मैसेज तीनों चले गए हैं, पेंडिंग 0 और फाइल 0। तो इस टाइप से आप इस सॉफ्टवेयर से बल्क मैसेजिंग में कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज आप यहाँ पर ऑटो रिस्पॉन्डर चैट बॉट लगा सकते हैं, एपीआई का भी यूज कर सकते हैं। सो गाइज इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।